असलम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद के तो ठीक होंगे और कैरियर से होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी कबूतरी को बैठे हुए हो गया काफ़ी, तकरीबन मैक्सिमम 5-6 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं तो सोच रहा हूँ इसके अंडे की कैंडलिंग करें रात के वक्त। मैं इसके रात के वक्त कैंडलिंग करूँगा। ओ यार, शिट यार, ये बच्चों को मार रहा है यार। तो दोस्तों, ये तो बच्चों को मारने लग गया है। इधर आओ, इधर आओ मिट्टू, छोटो छोटो इधर आ यार। ये देखें इसके सर पे, ये इसको मार रहा है सब। आप गंदे बच्चे। इसको हो गया 5 दिन हो गया मेरे ख्याल से, कैंडलिंग कर लेनी चाहिए या फिर अभी नहीं करते। ये तकरीबन 10 दिन होने के बाद फिर इंशाल्लाह पक्का इनकी कैंडलिंग करेंगे। और दोस्तों, आपको मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। जो मैंने मुर्गी का अंडों के लिए जगह बनाई थी ना, उधर एक दिन ना दरवाज़ा खुला होता है मुर्गी, जब उसको मुर्गियाँ इधर ऊपर आ जाती हैं, तो उन्होंने ना वो ख़राब कर दिया जगह, सारा भूसा बाहर निकाल दिया उसने और इधर उधर फैला दिया। मैं आपको जलता हूँ, जल्दी से आपको पहले वो दिखाता हूँ। चांद तो देखे, वो कितना प्यारा लग रहा था, इस वक्त निकला हुआ था चांद अच्छा जब इतनी। लेकिन मैं अभी से आपको चल के अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके आगे मैंने ईंट रख दिया। और ये देखें यार, ये कैसे पागल हो रहा है मारने के लिए। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, देखें मैं हाथ करूँगा। ये देखें पता नहीं यार इसको क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रही है। ये देख पागल हो रहा है, बिल्कुल अब नॉर्मल वाली हरकतें कर रहा है। दोस्तों ये देखें, मैंने आपको जो दिखाना था, ये देखें ये सारा भूसा जो अंदर पड़ा था ना, अंदर खैर ये सारा अंदर पड़ा था, ये सारा बाहर फैला दिया इन लोगों ने, चूजे ने फैलाया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया था, ये तो सिर्फ रात के वक्त इधर बंद कर रहे। ये देखें यार, इसको कल बंद करते वक्त मैंने इसको ज़रा थोड़ा इस पर सख्ती की थी और सख्ती का बहुत बुरा नतीजा निकल रहा है मेरे लिए। अब ये मेरा जानी दुश्मन बन रहा है। अब इसको 2-3 दिन इसको प्यार करना पड़ेगा, फिर जाके ये सेट होगा। ये देखें सारा का तेरी पूरा बाहर आता है। ये नीचे देखें, ये सारा भूसा इन्होंने नीचे गिरा दिया, बाहर निकाल दिया माशाल्लाह से। दोस्तों ये मेरे ना इनके बच्चे माशाल्लाह, ये देखिए वो देखें मासूम से, छोटे से प्यारे से, वो देखिए आपको नज़र आए। अब तो आपको कैमरे के अंदर नज़र आ रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ये देखिए छोटे, ये हवा भर रही है इसके अंदर में। अब पहले 2-4 दिन ना ये हवा भरते हैं और फिर एंड में ना ये वो करते हैं, वो 2-4 दिन बाद खाना देना शुरू करते हैं। एक साथ खाना देते, छोटे होते हैं ना ये बहुत, इसलिए डायरेक्ट ये खाना नहीं खा सकते, इस वजह से इनको ना ये हवा भरते हैं इनके अंदर। और दोस्तों, आपको एक और बात भी बतानी थी कि माशाल्लाह से 3 बच्चे बाहर आ गए, निकल आए हैं इनके। अब एक अंडा रहता है, 5 थे, इनमें से 3 निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिएगा ये सारे सलामत रहें। तो दोस्तों, इन लोगों ने इधर खड़े हो के ना इतनी गंदगी कर दी है ना, सीढ़ियों के ऊपर सारी गंदगी कर दी है इन लोगों ने। वो छत की हालत ये बहुत गंदी हुई पड़ी है। इंशाल्लाह कर कोशिश करूँगा कि सब सफाई कर ले, और पिंजरे की भी सफाई करने की कोशिश करूँगा, परिंदे भी खोलेंगे। ये ना मैंने 1-2 दिन पहले ना जंगली परिंदों के लिए ना ये डाला था, ये रोटी। अब तो ये सूख गई है, सारी डाली थी, सारी खा गए हैं, बहुत सारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल लाइव विद बर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।